सो इतने सारों के बीच एक जिंदा है, सो ही इज फाइटर, फाइटर द नारो फाइटर. दिस इज द बैक साइड ऑफ कोलम रेस्टोरेंट और मैं यहाँ पर आई हूँ एक स्पेशल काम को एक्चुअली अंजाम देने. खोरबो गांव जाने वाला ब्रिज भी है और यहाँ पर जो कोलंग नदी है वो बहते हुए आगे बढ़ रही है. आप लोग देख सकते हैं, ही इज़ माई फ्रेंड. देखिए बिल्कुल ओके. सो इसकी कहानी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी. ही इज़ नारो द हीरो. आज सुबह जो मछली वाले भैया हैं वो सुबह आए और एज़ यूजुअल वो कुछ मछलियाँ लेकर आए हमें देने के लिए है. तो उनमें से एक फिश सडनली जंप करके बाहर निकला. उसको मैंने पानी में डाला तो आई कुड सी कि उसके सारे फ्रेंड्स मर चुके थे, बट ही वॉज द वन हु वॉज स्ट्रगलिंग हार्ड टू सर्वाइव. एंड यस ही सर्वाइव्ड. उसने एक्चुअली ज़िंदगी की बहुत एक अच्छी मोटिवेशन मुझे दी है कि चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए, अगर आप हार ना मानेंगे तो आप अवश्य जीत जाएंगे. हियर आई एम मदिया और बहुत ही अजीब काम करने आई हूँ, राइट. एक फिश की ज़िंदगी बच गई उसके दम के कारण, उसके हौसले के कारण. उसके सारे फ्रेंड्स ने दम तोड़ दिया, बट ही वॉज़ द वन. आई नेम्ड हिम नारो हीरो, जिसने सर्वाइवल टेस्ट को पास किया एंड ही इज़ सर्वाइविंग. सी सो अब मैं उसको अपने उसके फॉरएवर होम में छोड़ने जा रही हूँ. सो नारो बाय बाय, हैव ए सेफ लाइफ, हैव ए गुड लाइफ, हैव ए हेल्दी लाइफ और आई विश तुम एक बहुत बड़े फिश बन जाओ. बाय बाय. एंड देयर गोज माय नारो द हीरो. The feeling is really very, very nice, very satisfying.